आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जहां गीत गजल सबको सुनाई दे, फरुखाबाद मुझे मजहब से परे दिखाई दे, ऐसा फरुखाबाद के लिए कहा जाता है। आपको बता दें कि इस वक्त प्राइम टीवी टीम मौजूद है फरुखाबाद में, जहां 4 विधानसभाएं हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतपुर में और उत्तर प्रदेश चुनाव अपने सवाब पे है। और आप देख सकते हैं कि जो पहले फेज का चुनाव है उसके लिए कल मतदान होगा। 11 जिलों की 58 सीटों पे कल मतदान होगा और सभी जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उम्मीदवारों को अपने जो उन्हें बेहतर लगेगा उन्हें चुनेंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं फरुखाबाद के अमृतपुर विधानसभा में, जहां लोगों से जानेंगे कि ये खास तौर पर अगर बात करें तो फरुखाबाद किसानों का क्षेत्र है, जहाँ किसानी ही प्रमुख इनका उद्योग है, जो किसान है यहाँ के उनसे बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ की समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि क्या यहाँ की समस्याएं हैं और साथ ही साथ जो तत्कालीन सरकार है उससे वो कितने खुश हैं या नाखुश हैं और जो आगामी सरकार होगी उनसे क्या आशा अपेक्षा रहेगी। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है एक लोग। जी आप अपना नाम बता दें। राजकुमार सिंह। राजकुमार जी हमें ये बताएं कि आपके मुताबिक किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनते हुए दिख रही है? सरकार हमको भारतीय जनता पार्टी बनते हुए दिख रही है। फरुखाबाद की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है। अच्छा हमें ये बताएं कि अगर बात की जाए पिछले 5 सालों के कार्यकाल पे तो भाजपा के कुछ ऐसे काम बताएं इस क्षेत्र के अंदर में जो इस क्षेत्र में प्रमुखता से मतलब किया हो भाजपा ने। यहाँ पर गुंडागर्दी चरम पर थी समाजवादी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गुंडागर्दी खत्म हुई, कुछ विकास भी हुआ, थोड़े बहुत बाकी हैं, वो हमारे प्रतिनिधि आएंगे उनसे शिकायत करेंगे हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, उन्हें समझाएंगे कि ये काम होना है यहाँ। अच्छा आपको बता दें कि फरुखाबाद की इस सीट को 2012 में परसीमन के बाद अमृतपुर विधानसभा के तौर पे पहचान मिली थी और 2012 में इस सीट को अमृतपुर विधानसभा के परसीमन के बाद बनाया गया था। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी चाची क्या नाम पड़ेगा आपका? आप अपना नाम बता दें। आप में से कोई बात करना चाहता है? अच्छा प्रियंका गांधी का नाम कितने लोग सुने हैं? आप अपना नाम बता दें। बात नहीं करना चाहते हैं, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बुजुर्ग हैं, आप सब अपना नाम बता दें। कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी। अच्छा आपके मुताबिक सरकार किसकी बनते हुए दिख रही है? हमें बीजेपी दिख रही है। अगर बात करें तो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं लाई गई, उसमें से आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आवास योजना की कैसी स्थिति है, क्या लोगों को यहाँ पे मिल रहा है? आवाज मिले मिले। और बात करें तो यहाँ की प्रमुख समस्याओं में से आप कुछ हमें अवगत कराएं। आपको क्या समस्याएं हैं जो आप अगली सरकार से चाहते हैं उसे दूर करें? हमें समस्या तो बढ़िया बस बीजेपी की, राशन पानी सब चीज मिल रही है, हमें कोई दुखी परेशानी ना बीजेपी से, कोई दिक्कत ना हमें बीजेपी से, कोई दिक्कत हो तो हम बताओ। आप अपना नाम बता दें। राम लखन नाम है। राम लखन नाम। आपके मुताबिक किसकी सरकार बनेगी? सरकार योगी की बनेगी। अच्छा क्यों लगता है आपको, क्या इस क्षेत्र में ऐसा कुछ काम किया गया है? हाँ काम करे गए हैं, आवास भी मिले हैं और हर चीज मिली। और अभी हम इसी सड़क से आ रहे थे तो पुल टूटा, ये पुल कब से टूटा? पुल जो करीब 1 महीना हो गया है। 1 महीने से क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसे काम किए गए हैं कि पुल को बनाने के लिए कि यहाँ के लोगों की उससे कुछ समस्या हो रही है? पुल जो वहाँ से हटा दिया गया इधर को, वहाँ कामयाब नहीं सुना गया। कामयाब नहीं हुआ तो उसको बनाया जाएगा। अच्छा आप अपना नाम बताएं। मनोज कुमार मिश्रा। अच्छा मनोज जी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है और कल से चुनाव शुरू हो गया है पहले फेज में, तो आपको किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? योगी आदित्यनाथ की चाहिए सरकार। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते हुए दिख रही है। अच्छा हमें ये बताएं कि जो पिछली 5 साल की उनकी सरकार रही उससे कितना खुश हैं और इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया योगी सरकार ने? सबसे ज्यादा है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है इस सरकार में, बीजेपी की सरकार अच्छी सरकार है। वही अगर बात किया जाए तो यहाँ सपा और भाजपा का फाइट रहता है, तो सपा की क्या स्थिति रहेगी यहाँ की सीटों पे? सपा की बिल्कुल नीचे जाएगी, दूसरे नंबर पे। अच्छा
और अगर बात किया जाए तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में पूरा क्षेत्र में पूरा देश बंद था, तो उस समय क्या क्या यहाँ समस्याएं हुई? समस्याएं तो यही हर किसी के पास यही समस्याएं रहती हैं कि अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो आदमी भूखों मरता। राशन वितरण कार्यक्रम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। राशन आया, पैसा भी आया है और हर चीज वितरण अगर ना होता तो गरीब आदमी भूखा मरने लगता। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि अगर रोजगार की बात की जाए तो क्या रोजगार से कितना खुश हैं आप? रोजगार से बहुत खुश हैं, रोजगार उसी को मिल रहा है जो योग्य है, जो योग्य है उसी को रोजगार मिल रहा है। स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूलों की तो स्थिति खराब ही हो गई है। स्कूलों की स्थिति खराब है, क्या शिक्षक यही क्लास तो लग नहीं रहे? लॉकडाउन की वजह से क्लास तो नहीं लग पा रहे हैं, अगर क्लास लगेंगे तो फिर कोविड और बढ़ेगा। अच्छा, स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं तो स्कूल दो साल पहले को हटा के देखा जाए तो क्या स्कूल की स्थिति कैसी है यहाँ पे? अब तो खराब है इस टाइम। अच्छा, चिकित्सा पे आते हैं कि चिकित्सा का क्या हालत है यहाँ पे, क्या हॉस्पिटल सही चल रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर चिकित्सक यहाँ उपलब्ध है और कैसा उनका उनके द्वारा काम किया जा रहा है? अब तो अच्छा चल रहा है, पहले की अखिलेश की सपा की सरकार में नहीं अच्छा चल रहा था, अब की बीजेपी के सरकार में अच्छा चल रहा है। तो आप यहाँ की कुछ ऐसी प्रमुख समस्याओं के बारे में बताइए जो अगली सरकार से आप चाहेंगे उसका निदान हो। निदान की बात यह है सर, कहने का मतलब काम बाकी सब अच्छा है, और दूसरी बात यह है कि स्कूलों की बात वो अलग की बात है, बाकी घर का काम ठीक चलता है सर। आप अपना नाम बता दें। मैं अवधेश यादव, पृथ्वी पर। अच्छा, आपके मुताबिक जो चुनाव अभी होने वाले हैं तो किसकी सरकार बनने वाले? हम शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। हाँ, तो आपको आपके मुताबिक किसकी सरकार बनते हुए? हमें तो अखिलेश सरकार मालूम पड़ रही है। अच्छा, वही लोग बता रहे हैं कि उनके सरकार में गुंडा राज था, तो उस पे आप क्या कहेंगे? गुंडा राज उन्होंने तो खत्म किया, 100 नंबर चलाई है, भले हम पे दौरी पर एक। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे शिक्षा पे, तो इस क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति, स्कूलों की हालत कैसी है? स्कूलों की तो जैसे कोरोना की वजह से बंद कर दिए गए। हम कोरोना काल को हटा के अगर देखे तो। अच्छा, इससे पहले ठीक थी? नहीं, आज भी कुछ ठीक, मतलब ठीक है, पहले और बात होती, बताओ नकल नकल चल रही थी ना, या मान लो आज जो है आज के समय। अच्छा, वे तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र आ रहे हैं, भाजपा के आ गए, सपा के आ गए और आज कांग्रेस के आ गए, जिसमें मुफ्त की चीजें बांटी जा रही हैं, तो क्या लगता है आपको मुफ्त की चीजें बांटने से सत्ता में आ सकते हैं वो दल? मुफ्त की चीजें आजकल बट रही हो है? लेकिन बट तो रही, लेकिन गाय छुट्टी है इससे ना नुकसान हो, इससे जनता ना खिलाफ है। छुट्टा पशुओं की समस्या है यहाँ पे? हाँ, बहुत समस्या है। किसान जो खेती नहीं करता है वो तो मान लो उसके लिए ठीक है, और जो खेती कर रहे हैं, हम तो खेती पर डिपेंड हैं, तो खेती बारे तो परेशानी है। इतनी गाय छुट्टी है, गाय जैसे जाको प्रबंध करो जाए, गौशाला बनवाए जाए, गौशाला बने उसमें बंद, गौशाला जो आजकल बने हैं उनमें चारा नहीं मिल रहा, भूखन मर रही गाय। तो वही कहा जा रहा है कि गौ रक्षक है जो गौशाला बनाया जाए सही करके, गौशाला बनाने से उन्हें जो है बंद करी जाए, उनमें ये नौकर रहा है, उनके लिए चारा दवा जाए, दाना दवा जाए, ये तो कतई ऐसी कतई बिल्कुल थकी दुबरी है कि नहीं है, उनको चाला नहीं मिल रहा उसमें भूखन। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है 1 लीटर पेट्रोल महीने में दिया जाएगा, तो ये इस पे आप क्या कहेंगे? पेट्रोल के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो अपनी खुदाई रोड डेली फूकते कम से कम 200 रुपए की। अच्छा, आप बताएं झुंझुना पकड़ा रही है समाजवादी पार्टी, 1 लीटर पेट्रोल से क्या होने वाला है? वही भाजपा की तरफ से होली दिवाली पर एक एक सिलेंडर दिया जा रहा था, उस पे क्या कहें? एक एक सिलेंडर दिया जा रहा है, सिलेंडर 3 महीने गरीब आदमी के यहाँ चलता है, 3 महीने औरतें खाना बनाएंगी खाएंगी, और गुंडागर्दी यहाँ पर बिल्कुल समाप्त है, और सरकार बीजेपी की आएगी आनी चाहिए, इसी से पब्लिक को आराम है। आप क्या कहें? सरकार बढ़िया, भाजपा के लेकिन खाली दिक्कत गए ना गए और कुछ भी कुछ ना, और सब बढ़िया है। छुट्टा पशुओं के यहाँ उससे निदान दे, सबसे बढ़िया सरकार बढ़िया है, सब बात है, और मतलब जो समस्या खाली जानवर नहीं दुखी थे और गए ना छुट्टा और कोई दिक्कत, और बढ़िया सरकार है।
तो इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतपुर विधानसभा में, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, इनसे ही बात करते हैं। दादा, हाँ, हाँ। अपना नाम बताएं। राम धनई यादव। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब हम का सरकार के बारे में, हम तो बूढ़े आदमी, हमें क्या मालूम का है। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी है, मुलायम को भी देखा है, मायावती को भी देखा है, कल्याण को भी देखा है, राजनाथ सिंह जी को भी देखा है, तो आपके मुताबिक इस बार किसकी सरकार बनेगी? जिसकी बन जाए तो हम तो सबसे खुश ही है। अच्छा, वहीं कल जो बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र आया है, उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए परिवहन विभाग के द्वारा उन्हें मुफ्त में यातायात की सुविधा दी जा रही, इस पे क्या कहेंगे आप? यातायात की सुविधा दी गई तो ठीक है, हम कल सही होते। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतपुर विधानसभा में, तो हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप अपना नाम बता दें। आलोक। आलोक, किस क्लास में हैं आप? टेंथ। टेंथ में। स्कूल कैसा चल रहा? अभी तो कोविड काल बंद है, तो क्या ऑनलाइन शिक्षा आपको दी जा रही है? हाँ, चल रही है ऑनलाइन शिक्षा। तो किस स्कूल में पढ़ते हैं आप, गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट में। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? चल रही है, उसका दर नहीं चल रही है जैसे चलनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास से कितना समझ पाते हैं आप स्कूल और ऑनलाइन क्लास को? हाँ, उस हिसाब से, मतलब वो जो पढ़ाई जो क्लास टीचर सिखाता है वो नहीं सिखा पाता है आदमी, जो टीचर सिखाता है वो ऑनलाइन क्लास में नहीं सीख पाता है, मोबाइल द्वारा नहीं सीख पाता है आदमी। गाँव में कहा जाता है, देखा जाता है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो क्या उससे आपकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है? अब भैया, अब मैं तो इधर रहता नहीं, देहरादून में रहता हूँ, इस बारे में तो बता नहीं सकते। हाँ, इस बारे में तो इधर हम कह नहीं सकते, इधर के बदलोग बताएंगे आपको। आप अपना नाम बता दें। उमेश सिंह। अच्छा, आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है? देखो, हमारे लिए सरकार से बढ़िया है, जे भी बढ़िया है, मगर बढ़िया जे भाई जब मौके हिसाब से काम करे तो बढ़िया है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, मगर मौके हिसाब से काम करे अपना बढ़िया करके, तो हमारे लिए सब बढ़िया है। अच्छा, जो भी सरकार आगे आए इस चुनाव में, जो भी जीते, आपकी क्या आशा अपेक्षा रहेगी? हमारी आशा जो है किसान को पूरा जो है योगदान दिया जाए, और पूरा जो लिखा दिया लेखा जो कहा है वो पूरा किया जाए। किसान सम्मान निधि क्या आप लोगों को मिल रही है? तो मिल तो जब भी हमें जब सरकार मान लो जो हम देगी तभी तो मिलेगी, उसे हम कहते हैं मिल रहा है। आपको मिल रहा है? मिल रहा है तो ठीक है, मिल रहा है। क्या आपको 2,000 रुपए 3 किस्तों में मिल रहा है? क्यों, हमें 1 रुपया नहीं मिल रहा है, हम तो मजदूर हैं, हमें 1 रुपया नहीं मिल रहा, हम क्यों कह रहे मिल रहा है? गैस सिलेंडर वाला वो भी नहीं मिला, टॉयलेट वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आवास मिला? आवास भी नहीं मिला अब तक। राशन मिला? राशन मिल रहा है, वो भी काट पीट के मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्या कटपीट हो रही है? मैं जो 25 किलो है 20 किलो दे रहा है, 20 किलो 15 किलो दे रहा है, तो क्या मिल रहा है? कोटेदार आपको राशन कम दे रहा है? और क्या, बिल्कुल दे रहा है, क्या मिल रहा है? तो क्या इसके लिए आप कहीं शिकायत किए किसी जनप्रतिनिधि? हम शिकायत सूढ़ी पर गयी, ऐसा चावल नहीं खाया जाते। जो अनाज मिल रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं? अनाज नहीं मिलता है, चावल मिलते हैं, सरे बुधे सूढ़ी पर गयी, सरे वे कतई, जो बीमार हो जाओ खा ले। हम तो सरकार उसी के मानते हैं जो हम वक्त पर और वक्त टाइम से काम करे, अपना अपना टाइम विकास करे। चिकित्सा की क्या हालत है, हॉस्पिटल की क्या हालत है अमृतपुर विधानसभा में? क्यों, अकेला की है? अगर बात करें यहाँ के हॉस्पिटलों की हालत पर, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो यहाँ के हॉस्पिटल हैं, उसकी हालत कैसी है? हमें क्या मालूम क्या? आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ की हालत कैसी है, क्या आसानी से इलाज हो जा रहा है, डॉक्टर मौजूद है? जितेंद्र है, जितेंद्र, तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 20 लाख रोजगार देंगे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे क्या नाम, हम तो समाजवादी पार्टी के उसी को वोट। आप सपा को? जी, यहाँ लोग बता रहे हैं कि भाजपा ने गुंडा राज खत्म कर दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ तो खत्म नहीं हुआ, यहाँ तो नहीं। क्या दिक्कत? दिक्कत बहुत से आ रही, बहुत से दिक्कत आ रही। अच्छा, क्या आशा अपेक्षा है जो अगली सरकार आएगी युवा के तौर पे? हमें क्या, हम अपना वोट डालेंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं है ना, 5 साल रही हम तो कोई आया नहीं, तो हम उसे बोला भी नहीं। तो और कुछ लोगों से बात करते हैं, हम जानते हैं कि उनके
मुताबिक किसकी सरकार बन रही है और इस अमृतपुर विधानसभा में क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनके निदान को लेकर जो जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे उनसे अवगत कराएंगे और उनके इस जो दिक्कतें हैं उनका निस्वारण करेंगे। जी आप अपना नाम बता दें। सचिन। सचिन क्या करते हैं आप? पढ़ाई। पढ़ाई किस क्लास में? 12। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 20 लाख रोजगार देंगे, इस पे क्या कहेंगे? 20 लाख रोजगार देंगे, अब तक कहाँ थे वो? अच्छा ये बताएं कि आपके घर में खेती होती है तो जो आप खेती में जो आपकी लागत है क्या वो लागत निकल पा रही है? खेती में लागत नहीं। अच्छा कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। आप अपना नाम बता दे भाई साहब। हमारा नाम। अच्छा बात नहीं करना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? लोग बात नहीं करना चाहते हैं, बच्चे सब मार रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो सही ढंग से बता सके यहाँ की समस्याओं को। जी दादा आपका क्या नाम है? सत्यपाल सिंह। सत्यपाल सिंह जी हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने सवाब पे है, पहला चरण का मतदान कल से होने वाला है, तो आपके मुताबिक किसकी सरकार बनते हुए? हमें बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी की सरकार जी बनते हुए दिख रही है। और आप हमें ये बताएं कि अभी कुछ लोग बता रहे थे कि इस क्षेत्र में छुट्टा जानवरों की समस्या, इस पे आप क्या कहेंगे? वे तो हमारे तुम्हारे छुट्टे छुट्टे का कम्युनिस्ट थोड़ा सरकार थोड़ा छोड़ेंगे। हमें ये बताएं कि अभी तत्कालीन जो सरकार है केंद्र या राज्य सरकार उनकी तरफ से किनारे हो जाए, रोड छोड़ के किनारे हो जाए, किनारे आ जाए सब लोग, किनारे आ जाए आप। उधर आगे बढ़ चलिए उधर। अगर बात करें तो तत्कालीन सरकार राज्य में या केंद्र में उनकी तरफ से तमाम ऐसे योजनाएं लाई गई जैसे आपके शौचालय को इज्जत घर और आवास योजना, तो क्या सही ढंग से लोगों के यहाँ मिल पा रहा है? हाँ सही मिल गए, सही सही। हाँ और किसान, आप किसानी करते होंगे? हाँ किसानी करते हैं। क्या आपको किसान सम्मान निधि के तहत 2003 किस्तों में मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है, कैसे उपयोग करते हैं उन 2000 रुपए को खेत में? खेत में पानी लगाओ तो खाद लगाओ तो क्या लगाते हैं? तो उससे कुछ फायदा मिल रहा है आपको? हाँ फायदा करने में खूब मिलता। अच्छा वही लॉकडाउन के दौरान राशन की समस्या हुई तो सरकार की तरफ से रिफाइन से लेकर तमाम चीजें बांटी गई, तो क्या यहाँ कोटेदार जो हैं वो सही ढंग से उसका वितरण कर रहे हैं? हाँ सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ। यहाँ कुछ लोग बता रहे थे कि चावल की गुणवत्ता सही नहीं है, खाने पे आदमी बीमार हो जाएगा, उस पे क्या कहेंगे? वो सब सही कर, विरोधी लोग तो कहते रहते हैं, विपक्ष कहते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? विपक्ष तो कह रहे हैं बहुत तेल में नमक कहीं कुछ निकल रहा है। हाँ और नमक में पाउडर निकल रहा है। हाँ क्या करते हैं? हाँ क्या करते हैं भाई? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। अच्छा ये बताइए किस चीज का खेती आप कर रहे हैं? हाँ जी गेहूँ सरसों और अपना आलू, ये तीन चीजें यहाँ होती है। गेहूँ जो है आपका वो लेबी पे ले जाते हैं? जो लेबी पे ले जाते हैं बेचने के लिए या फिर जो लोकल लोग हैं उनसे बेचते हैं? हम लोकल लोगों से बेचते हैं, लेबी पे ले जाते हैं। सरकार तो कह रही है कि लेबी पे उन्हें अच्छा मूल्य मिल रहा, अच्छा पैसे मिलते, आप वहाँ क्यों नहीं? वन मिनट, लेबी पे वो ले जाते हैं जिनके पास ज्यादा फार्मर होते हैं, ज्यादा खेती होते वो ले जाते हैं, हमारे पास थोड़ी खेती है उस हिसाब ले जाते हैं। जिसके पास 10 एकड़ है 20 एकड़ वो लेबी पे ले जाते हैं, हमारे पास 2 एकड़ 1 एकड़ उसी तरह अपने लोकल बेच के अपना उससे गुजारा करते हैं। अगर बात करें तो क्या जो आपका लागत है खेती के अंदर में वो लागत निकल पा रहा है? वो लागत निकल पा रहा है? बिल्कुल निकलता है। लागत क्यों नहीं निकलता है? लागत निकलता है, नहीं निकला तो सरकार पूरा करती है। महीने में 2000 दे रही है, साल में 12000 दे रही है, किस लिए दे रही है? अच्छा ये बताइए कि सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चल रही है और अभी ऐसे कई सारे लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं, तो उन वादों पे क्या कहेंगे? जैसे 3 सिलेंडर देने का आज कांग्रेस ने वादा किया, कल भाजपा और सपा की तरफ से 2 सिलेंडर और सपा की तरफ से 1 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? एक मिनट जैसे मैं भाजपा सपा और कांग्रेस का कोई वादा नहीं मानता, जो कुछ वादा मानता हूँ सिर्फ बीजेपी को मानता हूँ, बीजेपी तरफ वादा करता हूँ, बीजेपी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं और दूसरे से कोई मतलब नहीं है, और बीजेपी के हम कमिष्ट प्रत्याशी हैं, बीजेपी से मतलब रखते हैं। हाँ सपा भाजपा या अन्य जो भी पार्टी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ जो बीजेपी वादा करती है बीजेपी वादा अपना पूरा करती है, अन्य पार्टियों का हमें वादा कोई पूरा होता नहीं दिखाता, उसलिए हमको उस पर कोई निर्भर नहीं रहते हैं और बीजेपी निर्भर रहते हैं, बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी से हम चलते हैं हम लोग। जी इनका साफ तौर पे कहना है कि ये बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी अपने वादों को पूरा करती है,
तो आप देख सकते हैं हम अमृतपुर विधानसभा में मौजूद हैं। आप ठीक कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, यहाँ मार्केट लगा हुआ है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो सब्जियों की खरीद और हर दिन की खरीदारी करने यहाँ आते हैं। तो सर अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह। आशीष जी हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब आपके मुताबिक किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी बन रही है। बीजेपी बन जी है। अगर बात करें तो क्षेत्र की समस्याओं के बारे में तो कुछ ऐसी समस्याओं को हमें बताएं जो आगामी जो अगला जो यहाँ मुख्यमंत्री होगा ये जो अगला विधायक होगा उससे क्या अपेक्षा रखते हैं, उससे क्या ऐसी समस्याएं जिससे आप अवगत कराएंगे? समस्या तो छोटा जानवरों की पहली समस्या है, इससे ही आदमी ज्यादा परेशान है। छोटा जानवर से क्या एक्सीडेंट भी एक्सीडेंट भी होते हैं और तमाम किसानों को परेशानी होती है रात में, अपने सर्दी पाले में परेशानी उठानी पड़ती है, मुख्य वजह यही है। मुख्य वजह यही जी जी। आप हमें ये बताएं कि सरकार की तरफ से ऐसे कई सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं जिसमें किसान सम्मान निधि, इज्जत घर, आवास, तो क्या सही तरीके से उसका वितरण हो पा रहा है यहाँ पे? नहीं बिल्कुल, वो तो सही चल रहा है, उसमें कोई वो नहीं, घुसखोरी कुछ हो भी उसमें? नहीं नहीं वो तो सही है। प्रधान है या लेखपाल है नहीं, नहीं, क्या वो आसानी से दे दे रहे या कुछ पैसे ले? नहीं नहीं, इस सरकार में कोई वो नहीं है, सब लेन देन साफ चल रहा है, सब सही चल रहा है, कोई उसमें कोई नहीं। और आप बताएं, आप जो सरकार की थी कोई सरकार है ना ये? हाँ जाहे बात है, जाहे बनी और जाको खुलो वोट मिली, प्रधान का है। हाँ जो सरकार की थी कोई सरकार ना है। आपके मुताबिक 2022 की रेस कौन जीत रहा है? जो जीत रही बीजेपी, बीजेपी जीत रही है पूरे बहुमत है। अच्छा कुछ समस्याओं के बारे में बताएं, अमृतपुर विधानसभा में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिससे आप अपेक्षा रखते हैं कि अगली सरकार अगला विधायक हमारा पूरा करेगा? समस्या विधायक ना कोई बात नहीं। अच्छा क्या ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है? क्या यहाँ बाढ़ आता है? हाँ आओ दे। तो क्या बाढ़ के दौरान सरकार की तरफ से मदद दिए जाते हैं? सरकार मदद का आओ जाए, कोई मदद नहीं आओ दे, कोई कमो कोई सरकार को मदद देती है बाढ़ में? सरकार कोई मदद नहीं देती है बाढ़ में, कोई सरकार मदद नहीं देती है सरकार को मदद 2000 रुपए जो जो डाटते के साथ। क्या क्या समस्याएं आती है बाढ़ में जो आप बरसात के दिनों में झेलते हैं? बरसात के मौसम जो समस्या आती है वो हम लोग पूरी झेलते हैं किसान आदमी, सरकार जो 2000 रुपए देती है बस वही हम लोगों को मिलते हैं, और उसके बाद में यहाँ का जो विधायक है वो सबसे बड़ा कमाटा है, जो 5 साल से जीत के आज तक यहाँ देखने नहीं आया कि हम किसने जिताया है। विधायक नहीं आते? नहीं आता, सुशील साहब के विधायक आज 5 साल में देखने नहीं आया है कि हमको किसने जिताया है। ऐसे कुछ काम किए हैं विधायक जी के द्वारा जो आप आपने अच्छा कोई काम नहीं किया है विधायक ने यहाँ पे, ऐसा समझ लो कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ ये मोदी और योगी भैया सरकार बनी है, दोबारा ही बनेगी, लेकिन विधायक यहाँ का इतना बड़ा गद्दार जो यहाँ देखने नहीं। लोगों से बात करते हैं जी, आप अपना नाम बता दें। नाम श्याम सिंह। आप अपना नाम बता दें। श्याम सिंह। श्याम सिंह, आपके मुताबिक आप युवा हैं तो किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिख रही है? बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ जी। अभी वहाँ एक लोग बता रहे थे कि वहाँ के जो तत्कालीन विधायक हैं उनकी तरफ से वो झांकने नहीं आते, ताकने नहीं आते, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारा डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर है, अब इधर के है नहीं, मतलब चेंज हो जाता जिला मेरा, तुम्हारे यहाँ बीजेपी का है माहौल, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम डॉक्टर राजवीर सिंह। किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिख रही है आपको? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा हमें ये बताएं कि अभी एक लोग कह रहे थे कि जो यहाँ का अभी तत्कालीन विधायक है फिर से उनको टिकट दिया गया है, वो झांकने नहीं आते, इस पे आप क्या कहेंगे? उस लड़के ने कोई गलत नहीं कही, सही कही है कि गुजरपुर गांव इस वक्त पहला नंबर भारत वर्ष में पिछड़ो वो है, मेरे गांव की सारी गलियां देख ली जाएं, कोई इसमें एमपी विधायक कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है कोई काम नहीं होती मेरे गांव में, मेरे गांव की गलियां जो है बिल्कुल बेकार है। यहां पुल भी टूटा है, बताया जा रहा है कि 1 महीने हो गए हैं और अब तक कोई ऐसी मदद नहीं पहुंची है, तो क्या ऐसा लगा रहता है कि ये मोदी योगी के नाम से सरकार जीतती है और इनमें कोई विधायक कर्मचारी नहीं है कोई इसमें?
मोदी। क्या आपको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, ये कृषि क्षेत्र है तो क्या किसान सम्मान निधि के 2000 के 3 किस्त आपको मिल रहा है? हाँ, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या समस्या आ रही है? काव के मतलब बामाई नंबर ना ही सही है, भीड़ है, जैसे खाता नंबर आधार नंबर से आमाई पैसा नहीं आओ तो काम जीरो गलत आई, काम कुछ समस्याएं आई इसलिए नहीं आओ। मतलब बताया जा रहा है कि फीडिंग ढंग से नहीं हुई है। हाँ, तो क्या इस समस्या को लेकर आप जो विभाग है, जो जिम्मेदारान है, उनसे अपनी समस्या को अवगत कराए? सब कुछ करा ही रहे लेकिन कोई काम ही नहीं हुई रो, सब कुछ करा ही रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुई रो। आवास योजना कैसा चल रहा है यहाँ? कम से कम नहीं तो रुपए मैं ऐसे मान ले 50% कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले। मतलब कुछ लोग को मिले, कुछ लोग को नहीं मिले। और अगर बात की जाए इज्जत घर की, टॉयलेट की, तो क्या सभी के घर टॉयलेट बन चुके हैं? टॉयलेट बने, सबके घर बने, टॉयलेट सबके क्या बने? अब अच्छी तरीके से नहीं बने और क्या? क्या मतलब अच्छे तरीके से, क्या गुणवत्ता सही नहीं है? गुणवत्ता का सब गुणवत्ता सही है। तो इस वक्त हम मौजूद थे अमृतपुर विधानसभा में, जो कि फर्रुखाबाद में आता है। यहाँ साफ तौर पे लोग जो स्थानीय विधायक है उससे नाखुश लग रहे हैं और बता रहे हैं कि वो यहाँ झांकने तक नहीं आता है। और जो लोगों का विचार है वो मिला जुला है। तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ भाजपा और सपा का कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।